हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती नववर्ष लोसर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत तिब्बती बौद्ध भिक्षु व धर्मगुरुओं ने विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। परंपरागत तरीके से पूजा का आयोजन किया गया। तिब्बती लोगों ने पारंपरिक संगीत की धुन पर नववर्ष के आगमन की खुशियां मनाई। कोरोना के चलते पिछले सालों में तिब्बती अपना नववर्ष लोसर नहीं मना सके थे, ऐसे में लोसर को लेकर तिब्बती समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिला। डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी मंत्रालय की मंत्री गैरी डोलमा ने इस संबंध में जानकारी दी। जाने उन्होंने क्या कहा। डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी मंत्रालय देखते हूँ, सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन का पूजा होती है, और जो आज पूजा हुई है ये विश्व के लिए, ये दुनिया के लिए, ये धर्म के लिए एक पूजा हुई है। और मेरी अपनी प्रार्थना जो रही है कि दिल में मेरी देश तिब्बत में आज के दिन भी चीन के आक्रमण के नीचे हम बहुत जल्दी परम पूज्य दलाई लामा जी के लीडरशिप में हम लोग सब एक फिर दोबारा सा खुशी के दिन में हम लोग सब एक दूसरे को मिल सकें। और ख़ास करके आज के दिन मेरी प्रार्थना जो है दिल से कि भारत सरकार और भारतवासियों के लिए भी है, और उन देशों के लिए है जो मानव अधिकार के लिए, जो सत्य के लिए खड़ा होते हैं। लोसर की शुरुआत धार्मिक कार्यक्रम से होती है, जिसके बाद दलाई लामा मंदिर में आते हैं। वहीं तिब्बती परंपरा के अनुसार इस पर्व पर नन्हे बच्चों द्वारा नृत्य किया जाता है। इसके बाद लामाओं द्वारा बुद्ध की शिक्षा पर बात की जाती है। इस मौके पर तिब्बती उस चीज की प्रतिज्ञा करते हैं जिसे वे बदलना चाहते हैं।